लोकसभा में संविधान से शुरू हुई लड़ाई शिव गुरु नानक और इस्लाम से होते हुए अग्निवीर किसान तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठकर इसका विरोध किया। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के सवालों के तीखे लहजे में जवाब भी दिए। इस पूरी बहस ने सदन की लड़ाई को असली हिंदू वर्सेज हिंसक हिंदू की तरफ मोड़ दिया गया। तो वही सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए माफी की मांग की है और सवाल यह कि क्या राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। अयोध्या, शिव, त्रिशूल, राहुल का हिंदुत्व। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। धर्म, जवान, किसान, सदन में घमासान। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। सदन की लड़ाई असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू पर क्यों आई? पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। राहुल का वार, योगी का मुस्लिम तुष्टीकरण वाला पलटवार। योगी बोले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, माफी मांगे राहुल। लौलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में राहुल की चुनौती वर्सेस मोदी सरकार के 5 मंत्री। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी MSP पर खरीद जारी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। राकेश त्रिपाठी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी नेता समाजवादी पार्टी, पुनीत पाठक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक और मनीष राय संघ विचारक हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपके कमेंट से। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट के अंदर खूब उन्होंने सरकार को घेरा, उन्होंने हिंदू और हिंसा और नफरत तीनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल किया, जिसके बाद आप भी कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि ना तो आप हिंदू हैं ना संघ हिंदू है, बल्कि आप लोग हिंदू हो ही नहीं सकते क्योंकि हर वक्त हिंसा और नफरत की बातें करते हैं। देखिए बहुत आश्चर्यजनक है और उतना ही आज ये दुख उत्पन्न करने वाला है, कष्ट उत्पन्न करने वाला है कि इस हिंदुस्तान के भीतर ही, देश की संसद के भीतर हिंदुओं को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस देश के हिंदू मानस को जागृत करने के लिए, ताकि देश की गुलामी का जो मालिन्य है वो उतरे, हमने कहा गर्व से हम हिंदू हैं। लेकिन आज इस देश की संसद में एक गैर जिम्मेदाराना इस ढंग से बयान और लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, आस्था जी आप अनुरोध करूंगा कि मेरे जरा इको जरा ठीक करा दें, इको बहुत ज्यादा हो रहा है, PCR इको हो रहा है राकेश त्रिपाठी। राहुल गांधी का ये बयान, ये देखिए राहुल गांधी का ये बयान ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी अभी भी जिम्मेदारी उठाने योग्य नहीं बन पाए हैं।
राहुल गांधी बहुत दिनों से लंबे समय तक उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत असफल रहा, उसके बाद उनके बाद लंबे समय बाद उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी मिली है। हम उम्मीद कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता के तौर पर बिहेव करेंगे, लेकिन आज सदन में उन्होंने जितने भी बयान दिए हैं ये सारे बयान उनकी अपरिपक्वता को दिखाते हैं। जिस तरह से अग्निवर्ग को लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस तरह से एमएसपी को लेकर उन्होंने गलत बयानी करने का काम किया, और हद हो गई, आखिरकार अपने चुनावी एजेंडे को लेकर अब तक चल रहे हैं। अरे भाई, चुनाव समाप्त हो चुका है, देश के हिंदुओं को कब तक गाली देते रहेंगे? सनातन को अपमानित करने का काम किया आपने, प्रभु राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया, रामचरितमानस को फाड़ने फूंकने के लिए पूरा इंडिया अलायंस एकजुट हो गया, बार बार अपमान, कितना अपमान करेंगे? ठीक है, मैं रुक करूंगी धर्मेंद्र सिंह जी का, और पीसीआर कौन कनेक्ट नहीं है उनके बारे में जरा बताइए मुझे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पुनीत पाठक जी, वो भी हमारे बीच में। पुनीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हाँ, तो चलिए, राकेश त्रिपाठी जी ने जो साफ कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया है, अब बीजेपी ने इसको हिंदुओं से जोड़ दिया है और कहा है कि ना तो आप कभी सनातन धर्म या हिंदुओं का सम्मान कर पाए, और आज भी पार्लियामेंट के अंदर आपने एक एक करके ना केवल नियम तोड़े बल्कि हिंदुओं का अपमान भी किया। देखिए राकेश जी, और भारतीय जनता पार्टी फिर वही गलती कर रही है जो लोकसभा चुनाव में की थी। उस टाइम आप याद करिए, राहुल जी ने किसी शक्ति से लड़ने की बात की थी, तब इन लोगों ने उस मुद्दे को दुर्गा जी से रिलेट कर दिया था, जबकि राहुल जी साफ सीधी बात असुरी शक्तियों जैसी शक्तियों की बात कर रहे थे। आज भी उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी बात को साफ किया है कि वो उन लोगों, वो सारे हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सारे हिंदुओं को बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी सारा हिंदू नहीं है। उन्होंने बोला जो लोग हिंदू धर्म के दुकान चलाते हैं वही लोग नफरत फैलाते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे थे, और ये भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी ही सारा हिंदुत्व नहीं है, इस देश में सभी लोग हिंदू हैं और बहुत सारे हिंदू हैं, हम, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, तो ये सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। और वो जिसको बोल रहे थे, वो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खुद ही उनको 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 बात लग गई है। अब लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया था, मुद्दों को भटकाने की कोशिश। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारे हमारे मैनिफेस्टो में कि हम लोग भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, इन लोगों ने लगातार मुद्दों से भटकाने का काम किया है और अभी भी वही कर रहे हैं, अपने उसी चाल चरित्र चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच में। धर्मेंद्र जी, आज अग्निवीर को भी लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला, उस पर भी बीजेपी ने घेरा कि ये कोई झूठ का मंच नहीं है। अग्निवीर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिनको रक्षा मंत्री ने काउंटर करते हुए कहा कि ये सरासर झूठ है। देखिए, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यह पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष कोई भाषण दे रहे थे और देश के प्रधानमंत्री बीच में खड़े होकर के टोका टिप्पणी कर रहे थे। ये कितनी अशोभनीय बात थी। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के कृषि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कई मंत्री बीच में टोका टोकी करते नजर आए और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने बोला क्या? राहुल गांधी जी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में भारत भारतीयता की भावना, अग्निवीर योजना, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, एमएसपी, जीएसटी, हिंसा, धर्म, भय, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर के आचरण के विषय में बोला। साथ जितनी भी इनके चार पांच मिनट में जो प्रभु शिव जी की फोटो लेकर के या गुरु नानक देव जी उस पर भी आपत्ति जताई गई। धर्मेंद्र जी, उस पर भी आपत्ति जताई गई। क्या इनसे पूछ के लेना पड़ेगा? हर घर में दीवार पर फोटो टांग करके पूजा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमसे पूछ के कोई फोटो लेगा, उनको उनसे फोटो दिखाएगा? सबकी अपनी आस्था है, इनको कौन सा अधिकार है? संसद के किसी नियम के खिलाफ है? नहीं, ये जितने महत्वपूर्ण मुद्दे राहुल गांधी जी उठाए उस पर एक भी बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं आया। राहुल गांधी जी ने कहा, ठीक है धर्मेंद्र जी, इस पर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे साथ संघ विचारक भी जुड़ गए मनीष राय, राकेश त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा हिंदू डर नहीं फैला सकता, वो शायद इनको सुनाई नहीं दिया। राहुल गांधी जी से अपेक्षा की जाती है। राहुल गांधी कोई पहली बार निर्वाचित होकर के संसद पहुंचे हैं ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी कई बार संसद में जीत करके आ चुके हैं, लंबे पार्लियामेंट्री उनका एक जीवन हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम संसदीय नियमों का, संसदीय परंपराओं का आचरण एक प्रस्तुत करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी प्ले कार्ड दिखाने का काम कर रहे थे, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि आप संसद भवन के भीतर आप परिसर में लेकर के भगवान की तस्वीर लेकर के आएंगे। अरे, भगवान की तस्वीर की एक मर्यादा होती है, उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, और वो भगवान को कांग्रेस पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बताने का काम कर रहे हैं।
और कितनी उनकी अल्पज्ञता दिखाई पड़ती है, उनका ज्ञान कितना उथला है कि वो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। काश कि उन्होंने अगर इतिहास को पढ़ा होता, कहानियों को पढ़ा होता, अपने नाम में जो गांधी लगाया है ना उन गांधी जी को पढ़ा होता तो उनको याद आ जाता कि किसी कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये महात्मा गांधी का बयान है, ये महात्मा गांधी के बयान को उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बयान बता दिया। भगवानों के संदर्भ में बोलते समय, किसी की भी आस्था के संदर्भ में बोलते समय वो किस प्रकार की बयानबाजी कर जाते हैं, शायद राहुल गांधी को उसका भान नहीं है। और यही कारण है कि कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दंडित किया गया है, दोष सिद्ध अपराधी माना गया है कि राहुल गांधी कुछ भी उल जलूल बयान दे दिया करते हैं, उसके बावजूद राहुल है कि मानते ही नहीं, राहुल है कि कुछ सीखते ही नहीं, राहुल गांधी अपनी गलतियों से ना सीख करके देश के सामने ऐसा आचरण करते हैं जिसके कारण पूरी कांग्रेस की इज्जत मटिया मेट होती है। राकेश जी, अगर अच्छा होता संसद के अंदर धर्म की परिभाषा आपके नेता बताने के बजाय ये बताते कि जब राहुल जी ने उठाया कि अग्निवीर योजना में शहीद को कुछ पैसा नहीं मिलता, तो देश के गृह मंत्री लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे, उनका 1 करोड़ रुपए उनको दिया जाता है। धर्मेंद्र जी अब भी जानकारी नहीं रखते हैं, आप ले आए वो नोटिफिकेशन दिखा दे जहां 1 करोड़ दिया जा रहा हो। अगर आप LIC को अंशदायी जीवन बीमा कवर को सरकार की योजना बता दे रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? कम से कम देश के रक्षा मंत्री जी को सदन के अंदर झूठ बोलने से बचना चाहिए था। और अगर ऐसा झूठ बोलना बंद करिए भाई, आपको जानकारी नहीं है अग्निवीर के संदर्भ में जानकारी नहीं, तो आप सेना के कम से कम बयान देख लीजिए, आप सेना के थल सेना अध्यक्ष के बयान सुन लीजिए। आपने सेना के बयान मानने को तैयार नहीं है, देश के रक्षा मंत्री के बयान को मानने को तैयार नहीं है। सदन में दिया गया रक्षा मंत्री का बयान कोई बात नहीं हो सकती है, देश के रक्षा मंत्री का बयान रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड, रक्षा मंत्री ने इस बात को दोहराया है, एडमिट किया है कि यदि कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन उसको दिया जाता है, ऐसा नियम है और ऐसा हुआ भी है देश में। ने ऑन रिकॉर्ड कहा है पार्लियामेंट के अंदर, ने राकेश जी से मांग लीजिए कि कहां पे लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए उसके परिजनों को सरकार देगी, मैं यही पूछ रहा हूं, सिंपल सा सवाल है। अरे मैं लिखा हुआ दिखा देंगे, संसद में बोले गए रक्षा मंत्री के बयान को मान नहीं रहे हैं, ये लिखा हुआ दिखा देंगे तो भी नहीं मानेंगे, जिसने कर रखा हो कि हम किसी भी स्थिति में नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, उनको कैसे सुधारा जाएगा। फैक्ट्स पर बात करते हैं, हमारे बीच में मनीष राय जी भी हैं, संघ विचारक। मनीष जी, आज राहुल गांधी ने संघ को भी निशाने पर लिया और साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री के लिए कि न आप हिंदू हैं, न आप हिंदू समाज है, न संघ हिंदू समाज है, ना कोई और हिंदू समाज है, आप लोग नकली हिंदू हैं और हिंसा और नफरत की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी से हिंदू की परिभाषा मेरे ख्याल से हम लोगों को सीखने की आवश्यकता नहीं है, और पूरे भारतवर्ष को पता है कि वो किस प्रकार का नौटंकी करते हैं। जब चुनाव आता है तो चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, कभी जनेऊ धारण में जाते हैं, कभी कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं, लड़कियां जो छेड़ते हैं वो मंदिर जाते हैं, खुद की सेक्युलर राजनीति करते हैं। और आज भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने शिवजी से लेकर गुरु नानक जी और जीसस क्राइस्ट की पिक्चर को दिखाया। देखिए, वो तो घोर आपत्तिजनक है, शिव जी की फोटो को जिस तरह से उन्होंने बार बार उछाला, नीचे किया, मुझे लगता है ये हिंदुत्व का भी अपमान है, भगवान शिव का भी अपमान उन्होंने संसद में किया है। संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में इस तरह का अपमान, तो मुझे नहीं लगता, पहले तो उनको जांचने की आवश्यकता है कि वो खुद हिंदू है कि नहीं है, फिर वो हिंदुत्व की परिभाषा दे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। परमवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे आज के राहुल गांधी के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार पूरी तरह से हमलावर है, अब राहुल गांधी ने भी सरकार को आज पार्लियामेंट में कई मामलों पर घेरा है, लेकिन बात अब उस पर फंस गई है कि बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि उन पर कार्रवाई हो, उन्होंने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है और संसद की गरिमा को जो है वो खंडित किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं वो लगातार अपनी बात पर कायम हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी वो उन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। आस्था जी, वास्तव में जो राहुल गांधी जी ने कोई नियम तोड़ा है नहीं तोड़ा, इसका विचार संसद करेगी, संसदीय कार्य मंत्री करेंगे, लेकिन जो राहुल गांधी जी बातें कर रहे थे उनके उनके अंदर इतना दम नहीं दिखाई देता, दम क्यों नहीं दिखाई देता था, कहते हैं विचार कितने भी उत्तम हो जब तक वो आचरण में दिखाई ना दे तब तक वो उठने ही माने जाएंगे। लेकिन परमवीर जी, आज के राहुल गांधी के भाषण को तो बहुत एग्रेसिव माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, वो कह रहे हैं कि आज सबको रोस्ट कर दिया राहुल गांधी ने। अगर देखा जाएगा एक पॉइंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेता प्रतिपक्ष है वो और अपनी पार्टी का मत रख रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद जैसे आए हैं वापस इस फॉर्म में, तो उस नाते से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बात बोला जाए कि जो राहुल गांधी जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें कही है कि उनमें कितना दम है, तो मैं केवल उस संदर्भ में बात करना चाहूंगा।
देखिए राहुल गांधी जी अगर बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज की बात करी, उन्होंने बात करी सिखों की बात भी करी, उन्होंने जैन धर्म के लोगों की बात भी करी, मुस्लिम की बात भी करी, सबकी बात करी। लेकिन उनका आचरण अगर हम पीछे का देखें, 2022 में 28 जून को कन्हैया लाल का मर्डर होता है, तब उनको नहीं दिखाना आया था उनको मुद्रा की भाई आप डरो मत, आप उसने कन्हैया लाल ने भी क्या कहा था कन्हैया लाल ने, जिसकी वजह से उसको मार दिया गया था, एक धार्मिक स्लोगन देकर ही मारा गया था उसको। तो अगर वो सबके लिए बात कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष सबके हैं पूरे देश के हैं, तो उस कन्हैया लाल का जिक्र भी उन्हें करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा गया। तो इन्हीं चीजों से दिखाई देता है कि जो ये एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है। आप एक पुनीत पाठक जी, वही बात जो बीजेपी कह रही है, और आज यूपी के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति है, उसी के ही इर्द गिर्द सारा प्लॉट है। देखिए असल में बात यह है कि राहुल जी ने आज इनका चट्टा पूरा कच्चा चिट्ठा पार्लियामेंट में खोल दिया, हर उस बात पे वो रोशनी डाली उन्होंने जो भारत के जनता की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह दिखाने के लिए, सच्चाई के को स्वीकार करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये लोग हमेशा मुद्दों को मोड़ना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसी एजेंडा पे चलते हैं जो ऊपर से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा सेट किया जाता है। अब अगर राहुल गांधी जी ने नीट स्टूडेंट्स की बात की, अगर राहुल गांधी जी ने किसानों की बात की, क्या इन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी नहीं बोला था? क्या क्या जो बॉर्डर आज भी हरियाणा के दो बॉर्डर सील नहीं है, क्या क्या राहुल जी झूठ बोल रहे हैं? तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल जी ने आज उनका पहला भाषण था, उन्होंने बहुत ही सादगी से हर पॉइंट बाय पॉइंट अपनी चीज को रखा, उन्होंने सीधी बात वही की जो जो असल में आज भारत का मुद्दा है। बोले मनीष जी। पुनीत जी ने कहा दो जो बॉर्डर है सील है, तो मुझे लगता है पुनीत जी को अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करनी चाहिए कि बॉर्डर में कौन लोग बैठे हैं और कहां से फंडेड हो रहे हैं, कहां से आई जा रही है, कहां से हो सकती है वहां पे ताकतें काम कर रही, जिससे दिल्ली और पूरा भारतवर्ष आबाद हो रहा है। और मुझे लगता है किसानों का अन्नदाताओं का अपमान है। पुनीत जी आप पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए कि वो किसान है भी नहीं है। अगर भिंडरा में तो आप होता है, अगर संगठन निर्माण होता है तो किसान नहीं रह गया। और बड़ी खबर यह है कि राहुल के बयान पर प्रियंका गांधी ने सफाई दी है और कहा है कि वो हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता, राहुल ने बीजेपी के बारे में बोला। ये सफाई प्रियंका गांधी ने दी, बीजेपी नेताओं के बारे में बोला, ये कहा प्रियंका गांधी ने। और राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं, फिर उसी बात को ट्वीट में दोहराया राहुल गांधी ने। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। राकेश त्रिपाठी जी, एक बार फिर से अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने उस बात को दोहराया जो पार्लियामेंट में कही कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू समाज नहीं हो सकते। देखिए ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, बाद में राहुल गांधी के पार्टी के लोग उनको एहसास दिलाते हैं कि राहुल गांधी जी आपसे गलती हो गई है। तमाम उनकी पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी के दिए गए वक्तव्य पर लीपापोती करने का काम करते हैं, और इस बार बहन प्रियंका उनकी निकल करके सामने आई है जो कह रही है राहुल गांधी के कहने का मतलब ये नहीं था, राहुल गांधी के कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो संसद के रिकॉर्ड पर है, देश ने लाइव प्रसारण उसका देखा है, सारी टीवी न्यूज चैनल्स ने इसका लाइव प्रसारण किया है, जब उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसा करते हैं। मैं बार बार कठोरता से आपत्ति करता हूं, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको भाजपा के बारे में अगर कहना है जो अब प्रियंका वाड्रा समझाने का प्रयास कर रही है, तो कहते ना कि भाजपा ही हिंसक है, वो भाजपाइयों के बारे में जितनी टिप्पणी करना चाहे करें, राजनीतिक दल पर के नाते वो जितनी गाली गलौज हमारे साथ करना चाहे उतना करें, लेकिन देश के हिंदुओं के प्रति, देश की जनता के प्रति, भारतीयों के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी ये स्वीकार्य नहीं होगी। राहुल गांधी को अपना मानसिक संतुलन ठीक करना पड़ेगा, राहुल गांधी को अपना भाषण लिखने वाले व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा, राहुल गांधी को अपनी संगत पड़ेगी, क्योंकि संगत से ही गुण होते हैं और संगत से ही आज इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा अपवाद इन्होंने आज करने का काम किया है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी को ठीक करना पड़ेगा, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं को ठीक करना पड़ेगा, इनको सीधी हिंदी समझ नहीं आ रही है। इन्होंने साफ साफ कहा है जो लोग हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं वही हिंसा करते हैं। अगर इनके वो कहा जाता है अंग्रेजी में कि जो जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है।
चीजों को मोड़ के प्रस्तुत करना, सही बात को ना कह के उनको बरगलाना, मुद्दों से भटकाना, भारतीय जनता पार्टी साल यही की। और वो कह रहे हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी का अर्थ समूचे हिंदू समाज से नहीं था, बल्कि ये था कि बीजेपी, आरएसएस या कोई और व्यक्ति हिंदू समाज नहीं हो सकता। आस्था जी, वास्तव में कांग्रेस ऐसा आज से नहीं करती, बहुत पहले से करती आई है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, 2014 में कांग्रेस के तत्कालीन हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाई थी। तो यानी कि इसका सीधा मकसद जो देखा गया था कि माइनॉरिटी सिख जो है, उन्होंने ये माना था कि सिखों को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था कि पंजाब की एसजीपीसी अलग होगी, दिल्ली की कांग्रेस बहुत पहले अलग कर चुकी थी, हरियाणा की भी अलग कर दी थी। तो जहां पर आज उन्होंने गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई थी, तो उनको वो भी ध्यान करना चाहिए था कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली जाती है। दूसरी बात अगर मैं कहूंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था 2013 में, सब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मुजफ्फरनगर आए थे, वो केवल कैंप में गए थे जहां पर मुस्लिम जो पीड़ित थे वो रुके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ के जो लोग थे उनके पास हाल लेने के लिए कोई नहीं गया था। तो उसी सीरीज ऑफ एक्शन के अंदर राहुल गांधी जी ने पहले शक्ति वाला बयान दिया था अपना, उसको पीछे करने के बाद आज ये दूसरा बयान इस सीरीज में आ रहा है। ये अभी हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में 7 महीने में कुछ इसी तरीके का बयान अलग आएगा, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि इस बयानबाजी से सफलता मिली है। तो ये बयान की सीरीज आ रही है, इसको ज्यादा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का दूसरा मतलब तुष्टीकरण की पॉलिसी को रिफाइन करके पेश किया जा रहा है। पुनीत जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। पुनीत जी, इसको परिभाषित किया जा रहा है कि ये भी फूट डालो राज करो की रणनीति के तहत है। देखिए, असली फूट डालो और राज करो की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। लगातार इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात करके समाज में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी उसको, माहौल को खराब किया, उस पूरे भाईचारे को खराब किया। और देश के जो असली मुद्दे हैं, ये लोग नीट पे बात क्यों नहीं कर रहे, ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे कि कैसे छात्रों के साथ का हक छीना जा रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन लगातार पेपर लीक करवा रहा है, कौन उनके भविष्य के साथ खेल रहा है, वो किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं किसानों का इन लोगों ने दुगना किया अपना आमदनी, क्यों नहीं एमएसपी देते हैं, उन बात मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये बैकफुट पे आ जाएंगे, बार बार तोड़ बरोड़ के बातों। और मुझे हास्यास्पद लगता है इनका बयान, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कैंप पे गए, दूसरी जगह नहीं गए। अरे, कैंप में ही अगर सब लोग थे तो कैंप पे ही जाएंगे, और कहां जाएंगे, क्या लोगों के व्यक्तिगत घरों में जाके पूछते रहेंगे? ये मुझे है कि कैंप में केवल मुस्लिम लोग पहले और आज वर्तमान में भारत का जीडीपी ग्लोबल वेब में क्या है, आप इसमें बता दीजिए। और सही मुद्दों से भटक गया है। मैं जीडीपी क्या थे, आज की जीडीपी क्या है? आज हम भारत में विश्व में पांचवी ऐसी आर्थिक शक्ति है जो मुझे लगता है लीड कर रहे हैं। फिर आप किस दुनिया में रहते हैं? तो आप लोग झूठ पर पूछने का काम ही क्यों करते हैं? 2014 के पहले तो जीडीपी जीरो थी ना, जो भी जो जीडीपी बनी होगी वो 2014 के बाद ही बनी होगी। 2014 के पहले तो देश भी नहीं होगा। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। अब मेरे सवाल का जवाब, अब मेरे सवाल का जवाब, मनीष जी और पुनीत जी आप दोनों शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी, लोकसभा में संविधान से शुरू हुई लड़ाई शिवजी, गुरु नानक देव जी और इस्लाम से होते हुए अग्निवीर किसान तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया तो खुद प्रधानमंत्री ने उठकर इसका विरोध किया। अब बीजेपी ने एक बार फिर से इसको कैंपेन की तरह ले लिया है। इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस, विपक्ष और उसको फिर से सनातन विरोधी बीजेपी और सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दलों की तरफ से बताया जा रहा है और ये बार बार दोहराया जा रहा है कि चुनाव का वक्त आता है तभी हिंदू हिंदू और उसके बाद देखिए हिंदुओं का कितना सम्मान है। आस्था जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला हिंदुओं के बारे में? वो पूरा देश सुना, देखा, उनका भाव समझ रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी फिक्र क्यों है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, इनको जवाब देना चाहिए। अयोध्या में लीक हो रहे प्रभु श्री राम के मंदिर पर जो पानी बरस रहा, इनको जवाब देना चाहिए। राम पथ जो लीक हो रहा है, कई जगह गड्ढे में बह गया, गंगा जी अवतरित कर दिया इन्होंने, इनको जवाब देना चाहिए। लगातार लीक हो रही परीक्षाओं पर, चाहे नीट से लेकर के उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक नौकरियां लीक हो गई, पूरे देश के अंदर 71 करीब परीक्षाएं निरस्त हुई या लीक हुई, इनको जवाब देना चाहिए। एयरपोर्ट जो लीक हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चाहे राजकोट का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दिल्ली का हो, इनको जवाब देना चाहिए। मथुरा के अंदर बनी हुई टंकी देखिए गिर गई। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों की भरमार है,
किसान की एमएसपी की गारंटी पर जवाब देना चाहिए, इनको नौजवानों की नौकरियों पर जवाब देना चाहिए, इनको मणि बोले राकेश त्रिपाठी जी, गांधी जी ने भी उठाया। ठीक है धर्मेंद्र जी, बोले राकेश जी। अब सवाल पूछें तो धर्मेंद्र जी धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए। सूप बोले तो सूप, वो चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार है कि वो आज परीक्षाओं के लीक पर वो बात कर सके? संगठित अपराध के रूप में, संस्थागत तौर पर नकल जिसने कराने के लिए और मंच से जो इसका समर्थन करता हो, याद नहीं है क्या कि मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में हो या अखिलेश यादव जी के शासनकाल में, जो बच्चे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं एडमिशन लेने जाते थे उनके बारे में किस प्रकार की धारणा होती थी? याद करिए बाबूजी कल्याण सिंह जी के शासनकाल को, जिन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश पारित करने का काम किया। याद करिए राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने नकल पर कठोरता से अंकुश लगाने का काम किया। नकल का मसला उठाने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है। और आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह से एक बोल नहीं फूटा है कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की बर्बरता हो रही है, किस प्रकार की तालिबानी मानसिकता दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल में आपके अलायंस पार्टनर के साथ है। ये भेदभाव करना बंद करिए। और आप आज अयोध्या, मुझे लगता है कि चिंतित इन मुद्दों पर तमाम बहस हमें आने वाले समय में पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। और औपचारिक रूप से स्पष्ट होगा कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह की रणनीति और जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में लेकर पहुंचता है, वो कितना एड्रेस हो पाते हैं। वक्त का तकाजा है, मुझे शो वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के सवालों के तीखे लहजे में जवाब दिए और इस पूरी बहस ने सदन की लड़ाई को असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू की तरफ मोड़ दिया। और बीजेपी के तेवरों से साफ है कि वो फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है।